अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो गाइस आज मैं आपको बताने लगा कि आप अपनी GTA 5 को बेटर कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा लाइक इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं गेम को। ठीक है, ऐसे कोई FPS ड्रॉप नहीं होंगे, कोई गेम लैग लूग नहीं करेगी। तो आपको मैं लास्ट में गेम प्ले भी दिखा दूंगा कि कोई लैग नहीं है उसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओपन करना है अपना ओपन IV, ये ओपन IV के साथ ओपन कर लिए। उसके बाद आपको जितने मैं मोड इस वीडियो में यूज़ किए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो हम वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने इन दोनों को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो ये हो गया। ठीक है, साइड बाय साइड मैंने रख देता हूँ। ठीक है, तो एडिट मोड पहले ओपन कर ले, ऑन कर लेते हैं। ऑप्शनल्स में खैर ये है थोड़ा सा कि मेटा रिप्लेसिंग, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों क्या करना है कि ये वाला जो है ना, ये RJ4I2 ओपन IV, इसको आपको यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो इससे पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे प्रोसेशन आपको करनी है कि इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोड फोल्डर बोलेंगे और गेम के अंदर बोलेंगे किसके अंदर इंस्टॉल करना है। आपको हमेशा मोड फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल कन्फर्म कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो हो रहा है, हो चुका है या हो रहा है, इसको पहले इंस्टॉल होने देते हैं हम लोग। कितनी देर लगाएगा, अभी इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा बड़ा पैकेज है तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। तो नेक्स्ट मोड आता है इम्प्रूवमेंट एंड गोर। ये तीनों जितने भी मैंने मोड यूज़ किए ओपन IV के पैकेज हैं सिर्फ। ठीक है, तो उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन गोर वाला ये जो है ना अनइंस्टॉल, इसको भी यहाँ से हम लोग कट कर लेते हैं एंड यहाँ पे लेके जाके पेस्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे पेस्ट हो गया है। तो ये उन दोनों की, अगर आपका गेम क्रैश होती है ऐसा वैसा मसला होता है तो आप यहाँ से आकर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अब इसकी अनइंस्टॉल वाली फाइलें एक जगह पर रखते हैं, ये इंस्टॉल हो रहा है तो इसका इंस्टॉल होने का वेट करते हैं। तो अभी ना गाइस ये इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ से अब क्लोज कर देता हूँ मैं इसको, मैं बैक कर देता हूँ। एंड GTA 5 की आपकी मेन डायरेक्टरी ओपन करनी है एंड यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है बैकअप का। तो मैंने मेरा ये फ़ोल्डर बना हुआ है बैकअप का, तो आपको उसको ओपन करना है। अनइंस्टॉल वाली फाइल्स आपको बैकअप वाले फ़ोल्डर के अंदर डाल देनी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी गेम क्रैश हुई है ऐसा कुछ हुआ तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, एक साइड पर ये रखते हैं और एक साइड पर वापस वो रख देते हैं। बस अब हमारा ये रियल गन साउंड इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करते हैं इम्प्रूवमेंट इन गोर। ठीक है, एक बार इसको एडिट मोड बंद करके दोबारा ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हमने ये वाला जो है बेटा फीचर्स, और इसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये खैर वो दूसरी, ये लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो सिंपल ये बेटा वजह ना गेम क्रैश भी हो सकती है उसका, और अगर आप फीचर्स इंस्टॉल करेंगे वो भी खैर ओपन IV के ही हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ला कर ड्रैग एंड इधर ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर आपको पैकेज इंस्टॉल ले जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल की पर क्लिक करना है, मोड फोल्डर के अंदर आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने का, तो फिर हम लोग लास्ट मोड अपने वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया है इंस्टॉल, तो अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से इसको भी अब मैं बंद कर देता हूँ, इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये अब ये भी ओपन IV की फाइल है। एक सेकेंड रुक जाए, एडिट मोड फिर दोबारा से करते हैं ऑन। यहाँ पर यहाँ से अब हमने ये वाला पैकेज चूज़ करना है। किधर गया है, किधर गया है, कंप्रेस्ड, ये ओपन ओपन करते जाएंगे तो यहाँ पे रिलोडेड व्हीकल डैमेज आएगा। ठीक है, ऐसे व्हीकल डैमेज ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसे कि अब सिंपल है ना, 4 की तरह हो जाएगा, 4 फिजिक्स जैसे थे ना GTA 4 के, उस तरह। तो आपको यहाँ से मोड फोल्डर के अंदर ही इसको भी इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल इसकी कन्फर्म कर दें। हाँ, तो गाइस अभी हम लोग गेम के अंदर तो आ चुके हैं, तो अभी मैं आपको सब कुछ चेक करवा देता हूँ कि हमने कौन कौन से मोड इंस्टॉल किए थे। रियल गन साउंड, यार इसका ऊपर से कैसे सप्रेसर कैसे उतरता है, इसका सप्रेसर नहीं है, यस इसका साउंड भी चेंज हुआ है। एंड अब मैं आपको और गन्स का साउंड चेक करवा देता हूँ। हाँ, आप लोग इस शॉर्ट गन का भी साउंड चेक कर सकते हैं, इसका भी साउंड चेंज हुआ है। एंड साउंड तो अब गाड़ियों के चेंज हो गए हैं, अब हम लोग चेक करते हैं क्रैश टेस्ट। तो इसके लिए पहले मुझे यहाँ से ऑटो रिपेयर बंद करना पड़ेगा अपना, ये ऑटो रिपेयर बंद कर दिया है। अब गाड़ी को भगा के क्रैश करते हैं किसी जगह पर। ओ वाह भाई, सच में चेंज हुआ है कुछ ना कुछ तो। ओ ये चेक कर सकते हैं आप लोग गाइस,
छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है वो बिल्कुल, और आगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी जो गाड़ी बाइक लगा है मेरे साथ, और ये देख सकते हैं आगे से गाड़ी का हाल ठीक हो क्या। तो अभी गाड़ी को भगा के लेके जाते हैं यहाँ से, और आगे जाके किसी चीज़ के साथ एक्सीडेंट करते हैं, एंड बिल्कुल रियल लग रहा है मुझे तो इस गाड़ी के साथ करते हैं। यस गाइस, ये मोड भी इंस्टॉल हुआ है एंड सच में बहुत ज़्यादा फिट मोड है ठीक हो गया। तो अब हमारा लास्ट नेक्स्ट और लास्ट मोड ठीक है, और वो मोड था इम्प्रूवमेंट इन गोर ठीक है। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये मैंने अब मारा है ना बंदा, क्या आप लोग इसकी निशान देख सकते हैं इसकी बॉडी पे, ये आप लोग निशान देख सकते हैं, और सारा साथ हम लोग ये वाला ब्लड भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको स्नाइपर से दिखाता हूँ, स्नाइपर से भी ब्लड ही नज़र आ रहा है, वैसे फिर भी बहुत ज़्यादा चेंज हुए हुए हैं, और नो लैग नो FPS ड्रॉप, आप लोग यहाँ से आप बंदा देख सकते हैं ठीक है। ठीक है, वो जो भी मोड यूज़ करती है ना मुझे यही होता है ठीक हो गया। तो चले गाइस, तीनों मोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए हैं विदाउट एनी FPS ड्रॉप एंड अदर थिंग्स। तो मिलता हूँ मैं बाबा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर ट्यूटोरियल। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है, मज़े की थी वीडियो, तो आप वीडियो को शेयर भी कर दें, और अल्लाह हाफिज़।